नवरात्रि चल रहा है तो मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत माता रानी के दर्शन करवाते हुए कर रही हूँ। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप सबके घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो माता रानी ठीक कर दे, आप सबको खुशियाँ दे। हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ और मैं अपना ब्लॉग जो है रात का डिनर बनाते हुए शुरू कर रही हूँ। और आज जो है मैं डिनर में नवरात्रि में जो आटा खाते हैं कुट्टू के आटा के कचौड़ी और मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। कुट्टू के आटा ना केवल नवरात्रि में ही मिलती है और हम सबको ना उसकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में सब चटोरे भी हो रहे हैं, चटर मटर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसीलिए मैं कुट्टू के आटा की कचौड़ी बना रही हूँ और साथ में आलू की सब्जी बनाऊंगी। और आलू टमाटर की सब्जी ना बिल्कुल जो भंडारे में खाते हैं ना वैसे ही लगती है मैं सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज जो है कुछ एक अलग मसाले डाल के मैं बनाने वाली हूँ, तभी आप सबको मैं दिखाऊँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और आलू ना मैंने बॉईल कर लिया है और जो स्पेशल मसाला क्या है ना जब मैं डालूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये स्पेशल मसाला ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना मेथी की चटनी, तो ये डाल के मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये मेथी की चटनी जो है ना इसको समोसे के संग कचौड़ी के साथ भी हम चटनी की तरह खा सकते हैं और सब्जी में भी डाल सकते हैं। इस मसाले के अंदर ना कुछ खड़े मसाले के साथ साथ पाउडर मसाले भी मिक्स है, जो हम बाज़ार से समोसे और कचौड़ी जब लाते हैं उसके साथ जो सब्जी मिलती है ना तो उसमें यही मसाले डाला रहता है, तो मैं भी डाल के बनाऊंगी। और सब्जी में ना नाना प्रकार के मसाला डालते हैं, ना जाने कितने तरीके के मसाले हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ जीरा, हींग, और हींग ना मैं ज़रूर सारे खाने में डालती हूँ। और आलू की सब्ज़ी में कोई प्याज कोई लहसुन नहीं है, वैसे मैं नवरात्रि में भी लहसुन प्याज खा लेती हूँ तो, लेकिन आलू की सब्ज़ी में मैं प्याज वगैरह नहीं डालती। तो टमाटर, हरी मिर्च और मैंने अदरक डाल दिया है और इसमें थोड़े से मैंने नमक, हल्दी और हल्का सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया। वैसे धनिया पाउडर की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो आदत बन गई है ना मसाले में डालने के लिए, तो अब मैं ये वाली मसाले डाल देती हूँ। इस मसाले में सब कुछ है, आमचूर भी मिक्स है इस मसाले में, तो कोई अलग से आमचूर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और अब कभी भी आलू टमाटर की सब्ज़ी में बनाती हूँ तो आलू को मैं काटती नहीं हूँ, हाथों से फोड़ के जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो उसकी स्वाद जो है ना बिल्कुल भंडारे वाली आती है। हमारी गली में ना शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा शोर होने लगती है, गाड़ी की हो गया, बच्चे खेलने कूदने लगते हैं ना, तो कभी कभी वो आवाज़ भी इसमें आ जाता है, तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ ना चलती फिरती हमारी गली है तो हो जाता है ऐसा। इतनी गर्मी हो रही है और मैं कुट्टू के आटा की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, वैसे ना ये खाओ तो और गर्मी हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, अभी सर्दी आई नहीं लेकिन नई मेहमान की घर में आना शुरू हो गया, देखिए दिखा रही हूँ अभी। हो दो दो मेहमान, एक गया उधर, सर्दियाँ शुरू नहीं हुई आना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है ऐसे क्यों? देखो दो दो छिपली। सब्जी बनके तैयार हो गई है, इसे मैं डाल देती हूँ गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया, और बाकी आलू मैं बचा ली हूँ क्योंकि ये जो आटा है ना इसको आलू से ही गूंदा जाता है, हम केवल पानी से गूंदेंगे ना तो ये वाला आटा जो है बिल्कुल नहीं गूंदेगा। नवरात्रि में आप सभी का व्रत चल रहा होगा लेकिन मैं व्रत नहीं करती, मैं केवल ना पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, कुट्टू के आटा के मैं देखती हूँ ना बहुत सुंदर सुंदर कचौड़ियाँ बनाती हैं, सब फूली फूली चकले बेलन पे बेल के, लेकिन मेरे से कभी नहीं हो पाता है वैसा। मैं कितनी कोशिश करती हूँ ना चकले बेलन में बेल के बनाऊँ लेकिन वो चिपक जाता है, जब मैं उठाती हूँ ना फिर वो फट जाता है, तो मैं हाथ से छोटी छोटी ना टिक्की की तरह बना लेती हूँ। वैसे बहुत लोग कचौड़ी बनाते हैं इतने अच्छे अच्छे, मेरा भी बहुत, मैं कोशिश बहुत करती हूँ बनाऊँ पर मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आलू डाल के जो है ना गूँथ रही हूँ, तो इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर पानी डालना भी होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। वैसे आप सबको पता ही होगा कैसे गूँदा जाता है, अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो सब लोग खा ही रहे होंगे। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और ना मैं कचौड़ी पूड़ी कुछ भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब देखिए मैं कैसे टिक्की की तरह बना रही हूँ हाथ से घुमा घुमा के, और ये जो पहले जो कढ़ाई में डाला हुआ ना तो ये मेरी बेटी बनाई थी, तो उसको मैं निकाल देती हूँ और मैं बोली ना चलो मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं टिक्की जैसा ही बनेगा, मैं कितना भी कोशिश करूँगी ना थोड़ा बड़ा बेल लूँ तो मेरे से होता ही नहीं है। अब तो व्रत रहना बहुत ईजी हो गया है, व्रत का हर चीज़ खाने पीने वाला
चीज़ें उपलब्ध हो गई है, जैसे आटे हो गया, सिंघाड़े के आटा, चिप्स पापड़ भी हो गए हैं, कुट्टू के आटे के कचौड़ी खा लो, पकौड़ियाँ तल के खा लो, घी की सब्जी, समा की चावल, बहुत कुछ ऐसे है जो खा पी के हम इजीली व्रत रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बना रही थी तो मेरी बेटी बोली चलो हटो मम्मा मैं बनाती हूँ, तो वो बना रही है तो वो ना थोड़ा सा मेरे से सही बनाती है, थोड़ा पतला पतला बनाती है, तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो आप लोग से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये नवरात्रि का आज छठा दिन है और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। अभी बुलावा आया कि माता रानी के जितने भी चौकी है ना वहाँ पे चुन्नी ओढ़ाया जाएगा, तो उसमें शामिल होना है, तो यहाँ पे मैंने ये रेड वाली सूट पहन के तैयार हो गई हूँ। तो गिना हुआ नहीं है कितने में ओढ़ाना है, जहाँ तक चल पाए सब लोगों को बोला गया है चलने के लिए। और देखिए गाड़ी में डीजे बजते हुए आ रहा है, ये गाड़ी आगे आगे जाएगी और पीछे से हम ले से जाएंगे झूमते गाते नाचते माता जी के गीत गाते हुए। नवरात्रि के नौवे दिन इतना चहल पहल रहता है ना, हर जगह माता जी के गीत भजन चलते रहते हैं, सबके घरों में कीर्तन भजन भी चलते रहते हैं, तो बिल्कुल ना मतलब कुछ और सोचने का मतलब समय नहीं मिलता है, केवल माता रानी का ही दिमाग ध्यान में वही रहता है। देखिये यहाँ पे सब लोग डांस भी कर रहे हैं। ये गाड़ी जो है दूसरी गली से आई है और हमारे घर के गली से होते हुए गुजर रही है, और हम सब देखिये यहाँ पे लेडीज शामिल हो गए हैं और चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे गली के मंदिर में ना चुनरी चढ़ाया जाएगा, तो ये हम आ गए अपने गली के मंदिर में जो अक्सर मेरे वीडियो में देखा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माता जी को चुनरी चढ़ाया जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से केवल भजन कीर्तन करना ही पूजा नहीं होता है, अपना कर्म भी हमें अच्छा करना होता है। हम उपवास रख रहे हैं और मन में क्रोध भर के रखे हैं, किसी के प्रति नफरत भर के रखे हैं, फिर तो वो पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं। पहले मुझे भी ना इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, अब धीरे धीरे मुझे भी ज्ञान हो रहा है कि अगर हम घर के सदस्य के संसद व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ हम नफरत कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ना किसी का हम सेवा कर रहे हैं, और केवल माता रानी के सामने हम जोत जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, तो क्या माता रानी खुश होंगी हमसे? क्या हमसे प्रसन्न होगी, हमारी पूजा स्वीकार करेंगी? ये कार्यक्रम कम से कम 2 से 3 घंटा चला, और इतनी तेज धूप में हम पैदल चलते रहे, और जितने भी पंडाल दिख रहे थे ना वहाँ पे चुन्नी ओढ़ाते जा रहे थे, देख आप से वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे चुन्नी ओढ़ाया जा रहा है और लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अगर लोग इतने ही खुश घर परिवार में रहते, परिवार के साथ ऐसे खुशियां मनाते, तो ना जाने कितने मनमुटाव मिट जाता और कितने दुख तकलीफ कम हो जाते और सब आनंद से रहते। खैर जिसकी जैसी सोच जैसी विचार, दुनिया को बदल नहीं सकते लेकिन हम खुद तो बदल सकते हैं ना। मैं भगवान से जब भी प्रार्थना करती हूँ धन दौलत नहीं मांगती, भगवान ने जितना दिया बहुत दिया, बस इतना भगवान से कहती हूँ मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति नफरत ना आए, गुरूर ना आए, और हमेशा देने के लिए हाथ बढ़ाऊँ, किसी से लेने के लिए नहीं। तो बस मेरा विचार ऐसा बन जाए। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।